ये है दोस्तों आपकी लेम्बोर्गिनी हुरकान ईवो। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे। सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस आपको साइट्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे, जो भी अवेलेबल स्पेक्स होंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस कार्स और बाइक्स के देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन में रहेगा कंपनी का लिंक, वहां जाके आप इसके बारे में और भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले पाओगे। फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे हैं हुरकान ईवो का, पूरा व्यू देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको हर एक एंगल से। थोड़ी सी क्रैम्ड स्पेसेस हैं लेकिन मैं फिर भी पूरी गाड़ी आपको अच्छे से दिखाने का ट्राई करूंगा अपनी तरफ से, तो सपोर्ट करिएगा। गाड़ी अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो शायद इसको लेना चाहते थे या देखना चाहते थे। की चेक कर लीजिए, साथ में आपके डुअल फंक्शन लेडीज हैं वो चेक कर लीजिए। नॉर्मल कीज आपको प्रोवाइड करी गई, कोई आपको ऐसा हाई एंड डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा इधर। फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे हैं हुरकान ईवो का, ब्रांडिंग अपनी आप चेक कर सकते हो, लेम्बोर्गिनी की वेल रिनाउंड बैजिंग। अपने हेडलैम्प्स आप देख लीजिए, पूरा फिट एंड फिनिश सुपर, कोई शायद इसमें आपको डाउट नहीं होगा। पूरा स्लोप देख लीजिए, एरोडायनेमिक्स आपको सुपर मिलते हैं इस गाड़ी में, आफ्टर ऑल इट इज़ अ स्पीड मशीन, तो उसी हिसाब से पूरी डिज़ाइन करी गई है ये। कैमरा मैंने नीचे करके भी आपको अच्छे से व्यू देने की कोशिश की। अभी फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे हैं, अच्छे से पूरा फ्रंट व्यू ले सकते हो। थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूँ तो साइड प्रोफाइल भी आपको देखने को मिलेगा साथ में। लेम्बोर्गिनी की अगर बात करते हैं तो एक इटालियन लग्जरी स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर है और अब तो एसयूवी भी बनाने लगी है, जो है उरुस। अगर आपको उसका भी डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू देखना है तो आप लेम्बोर्गिनी की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इसका डिटेल रिव्यू करा हुआ है। इसका जो व्हील एरिया है वो आपने चेक कर लिया है, अपने जो ओआरवीएम है वो आप चेक कर लीजिए, बॉडी कलर पे ये अवेलेबल है। शानदार सी डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है इसके ओआरवीएम्स में, पूरा व्यू आप ले सकते हैं इसके ओआरवीएम का। अब अगर बात कर लेते हैं लेम्बोर्गिनी करंटली क्या क्या प्रोड्यूस करती है, तो अभी इनका V12 पावर्ड एवेंटाडोर आती है, V10 पावर्ड हुरकान जो आप देख रहे हैं, इसके बाद उरुस आती है इनकी ट्विन टर्बो V8 इंजन। तो ये कुछ इनके गाड़ियां हैं, अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। इंजन देख रहे हैं, जो शायद जिसकी प्लेसमेंट है वो सबसे बड़ा हाईलाइट रहता है इन गाड़ियों का। पूरा मैं ऊपर से लेके पूरा पीछे तक मैं आपको व्यू दे रहा हूँ उसके बैक प्रोफाइल का। जो भी आपके फर्स्ट थाट्स मन में आ रहे हो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, उसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। पीछे आप अपनी लैम्बोर्गिनी की ब्रांडिंग है वो आप चेक कर सकते हो, क्रोम फिनिश पे दी गई है, एग्जॉस्ट सेटअप आप अपना देख सकते हो। कलर आपको कैसे लग रहे हैं, वैसे इसमें कोई कॉम्बिनेशन की बात तो है नहीं, सिंगल टोन बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है, पूरा ग्लॉसी पेंट जो प्रोवाइड करा गया है। बीच बीच में आपको डस्ट की फिनिश भी देखने को मिल रही है, डस्ट की टच भी देखने को मिल रहा है। टेल लैम्प्स भी पूरे अपने आप चेक कर सकते हो, इधर स्पेस अच्छा है तो मैं पीछे आके पूरा दिखा रहा हूँ आपको। आप थोड़ा सा क्लोज व्यू ले लीजिए अपने टेल लैम्प्स का, बहुत ही स्लीक टेल लैम्प्स आपको प्रोवाइड करे गए, क्लियर ग्लास का यूज़ भी इधर किया गया है, देख लीजिए आराम से अच्छे से। प्राइस भी आपको सब साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल रहा होगा, स्पेक्स भी आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि इंजन कितना है, पावर क्या है, टॉर्क क्या है, जो भी एक कस्टमर से रिलेट करते हैं वो सारी आपको इन्फो मिल जाएगी। इधर अपना आप जो फ्यूल टैंक है वो आप देख सकते हो, फ्यूल इनटेक एरिया है वो आप देख सकते हो। बस ऐसे कर दीजिए, क्लोज हो गया। पूरा इसका आप जो टॉप है वो चेक कर सकते हो। आ जाते हैं वापस से इंजन पे, जो शायद सबसे बड़ा हाईलाइट रहता है लेम्बोर्गिनी में, मिड इंजन, पूरा व्यू आप ले सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ, बाहर से काफ़ी बात हो गई है, अब इसका डोर ओपन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है ये, देख लीजिए थोड़ा सा क्रैम्ड स्पेसेस हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से दिखाने के लिए। अपने आप सेवरल कंट्रोल्स चेक कर सकते हो, आपको डोर लॉक अनलॉक भी प्रोवाइड करा गया है, फिनिश बहुत ही सही सी मिलती है, डोर पॉकेट्स आपके अवेलेबल हैं, डुअल फिनिश आपको प्रोवाइड करी गई हैं। सीट्स अपनी आप देख सकते हो, स्टिच फिनिश अभी और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा, बाकी आपके एडजस्टमेंट्स ऑटोमेटिक दिए गए, इतना कोई इसमें बात करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अपना आप डैशबोर्ड पूरा चेक कर सकते हो, शानदार सिंगल टोन लगभग आपको देखने को मिलती है, कोई भी डुअल टोन इधर प्रोवाइड नहीं करी गई है। अब इधर सीट अपनी आप देख लो, लेम्बोर्गिनी की ब्रांडिंग भी आपको दी गई है, स्टिच फिनिश आपको प्रोवाइड करी गई है आपकी सीटिंग में। इसका जो डेब्यू हुआ था वो हुआ था 2014 में, जेनेवा मोटर जो जेनेवा ऑटो शो होता है आपका, उसमें इसका डेब्यू हुआ था, और इसके बाद ये रिलीज़ करी गई थी सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2014 में। एक हिट ऑफरिंग है लेम्बोर्गिनी की तरफ से, बहुत ही अच्छे अमाउंट्स में सेल होती है, जो लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको भी एक
फास्ट स्पोर्ट्स कार चाहिए होती है वो उसको ज़रूर कंसिडर करते हैं। पूरा आप इसका डैशबोर्ड अच्छे से देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। अगर इसकी ओनरशिप की बात करते हैं लंबोर्गिनी की, तो अमेरिकन क्राइसलर कॉरपोरेशन ने इसका कंट्रोल लिया था लंबोर्गिनी का 1987 में, और फिर नहीं चला पाए तो इसको बेच दिया था मलेशियन इन्वेस्टमेंट ग्रुप माइकॉम सेटको को और इंडोनेशियन ग्रुप वी पावर कॉरपोरेशन को 1994 में। फिलहाल जो इसकी ओनरशिप है वो है VW ग्रुप के पास, मतलब कि वोक्सवैगन के पास, थ्रू इट्स सब्सिडियरी ऑडी। ऑडी के थ्रू इसको ये कंट्रोल करते हैं। तो जिनको ये बात नहीं पता थी, जो लोग सोचते थे कि लंबोर्गिनी एक अलग से कोई एंटिटी है, तो उनको शायद क्लियर हो गया होगा ये VW ग्रुप के अंदर ही आती है ऑडी के थ्रू। तो ये बात ज़रूर नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है ये। बाहर से काफ़ी बात कर ली है क्रैम्ड स्पेस के बाद भी, गाड़ी अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है, कहीं पर कोई डोर टच नहीं हुआ है। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर आपसे बात करेंगे, तो लेट्स गो इनसाइड द कार। अब दोस्तों मैं हुरकान ईवो के अंदर आ गया हूँ। बाहर से आपको मैंने पूरी गाड़ी अच्छे से दिखाने की कोशिश करी थी, जैसे मैं आपसे भी एक्सटीरियर में बात कर रहा था। अब इधर आप इसका जो स्टीयरिंग है वो चेक कर रहे हो, पूरा आप देखते जाइए। आपका जो डैशबोर्ड है वो पूरा आपको क्लोज व्यू मिल रहा है। लैम्बो की जो ब्रांडिंग है वो आपको प्रोवाइड करेगी, मेरा मतलब लंबोर्गिनी से, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया था। अपर पार्ट पूरा आप देख लीजिए, स्टिच फिनिश आपको देखने को मिलती है, जो इंस्टेंट अटेंशन ग्रैबर है, जो क्वालिटी है, इंटेंस जो आपका अटेंशन है वो बिल्कुल एकदम से ग्रैब करेगी। इंस्टेंट मैं बोलना चाहता था आपसे, इंस्टेंट अटेंशन ग्रैबर है। अब अपना जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आप चेक कर लीजिए, ऑल डिजिटल आपको मिलता है। कलर कॉम्बिनेशंस आप देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जो भी एक ड्राइवर को एक्सपेक्ट होता है वो सारा आपको मिलेगा। इधर अपने आप जो पैडल शिफ्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं, हर तरफ आपको स्पोर्टी वाली फीलिंग आने वाली है गाड़ी को देखकर, इसके इक्विपमेंट्स को टच करके, फील करके, यूज़ करके, और वो शायद आप इधर देख भी रहे होंगे अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, जो इसकी स्टीयरिंग है वो आपको दिखा देते हैं। होस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपको इधर प्रोवाइड करे गए हैं, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको प्रोवाइड करेगी, लंबोर्गिनी की ब्रांडिंग देख लीजिए, स्टिच फिनिश आपको देखने को मिल रही है इसके स्टीयरिंग कवर में। मीडिया कंट्रोल्स हैं वो भी आपको दिए गए हैं, बहुत ही शानदार स्टीयरिंग प्रोवाइड करी गई है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको टच करके, होल्ड करके। अपने एसी वेंट्स आप चेक कर लो, नीचे अपने आप जो पैडल्स हैं वो आप देख सकते हो, एल्यूमिनियम फिनिश पैडल आपको प्रोवाइड करे गए हैं। इधर अपना आप जो सेंटर कंसोल है, पहले मैं हमेशा नीचे तक आपको शो करता हूँ, वो आप पूरा चेक कर लीजिए। केवल आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, दिल खुश हो जाएगा आपके देख कर, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ करा गया, अगर थोड़ा बहुत भी आप फील कर पा रहे हैं, बाकी आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर गाड़ी वाकई आपको और भी ज़्यादा अच्छे से देखनी है तो अपने नियरेस्ट शोरूम विजिट कर लीजिए लंबोर्गिनी के, और वहाँ पे इसको जाके फील करिए, तो क्वालिटी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये व्हीकल का पूरा जितने भी ऑप्शंस वो सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। इतना मैं कोई डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा, बेसिक मोटिव है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए। अगर कोई इसके स्पेक्स अवेलेबल होंगे तो मैं साइड्स में शॉर्ट्स में पोस्ट कर दूंगा, नहीं तो नॉर्मल जितने भी आपको फीचर्स चाहिए होते हैं एक लग्जरी गाड़ी से या एक अच्छे इंफोटेनमेंट सिस्टम से, वो सारे आपको प्रोवाइड करेगा, और मैंने ऑप्शंस खोल के दिखाया आपको। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आप देख लीजिए, बिल्कुल आपको एक एरोप्लेन के कॉकपिट सा फीलिंग आएगा। ये आपका हो गया जो गियर एरिया बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो गया, सब आपको लाइटर कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये आपका है आर्मरेस्ट, स्टिच फिनिश आपको देखने को मिलती है, वेलवेट टाइप फिनिश प्रोवाइड करी गई है। सेंटर कंसोल पूरा व्यू आप ले रहे हैं इधर ईवो का, लंबोर्गिनी हुरकान ईवो का। अब इसका जो को ड्राइवर साइड है वो आप चेक कर लीजिए, तो ऊपर भी आप देख रहे हो ना, पूरा आपको पियानो फिनिश दिया गया, लाइटेड ग्लव बॉक्स प्रोवाइड करा गया है, एयरबैग ऑन ऑफ स्विच आपको दिया गया उधर, अगर आपने देखा ध्यान से अच्छे से पूरा व्यू आप ले सकते हैं। थोड़ा मैं नीचे का व्यू भी दे देता हूँ आपके को ड्राइवर साइड का, आ जाइए इधर फिर से। सेंटर कंसोल पूरा फ्लोइंग डिज़ाइन में आता है, बहुत शानदार सा लगता है। अब इसका जो स्टीयरिंग है थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, तो हर एंगल से आपको अच्छे से पूरी गाड़ी दिख जाएगी। ओनरशिप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल अभी ये VW के अंदर आती है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि अलग से कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपके मोड्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन आप देख रहे थे अभी, इंस्ट्रूमेंट कंसोल पूरा आप चेक कर सकते हो अपना। अपने व्यूज़ भी ज़रूर बताइएगा प्लीज़, बिल्कुल भी अपने मन में मत रखिएगा, जो भी आपके रॉ व्यूज़ हैं वो ज़रूर शेयर करिएगा। आपके एज़ लाइट की बटन हो गई, को ड्राइवर साइड भी सीट आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं ना कुशनिंग के लिए कि कैसी कुशनिंग है, तो जैसे कि स्पोर्ट्स कार में सीटिंग होनी चाहिए वैसी ही प्रोवाइड करी गई है, कि एक बढ़िया सा आपको ड्राइविंग स्टैंस मिले तो वो आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप जो पेडल्स हैं वो फिर से चेक कर सकते हो। अब मैं दोस्तों वीडियो ख़त्म करूँगा, देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए। कोई क्वेरी हो मन में तो ज़रूर पूछिएगा, डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक ज़रूर विजिट करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग.